फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, फ़िलहाल तो मैं हूँ अभी नागपुर के वर्धा हिंगन घाट में, और फ़िलहाल मैं यहाँ का पहला ब्लॉग आज आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ये ब्लॉग है नागपुर का शिवाजी पार्क, जो हमारे घर से थोड़े ज़्यादा नज़दीक है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ। तो दोस्तों, मैं दिखाऊंगा कि इस पार्क में क्या क्या चीज़ें हैं, और ये पार्क कैसा है, कितना बड़ा है, और शाम के टाइम में क्या लोगों की भीड़ होती है कि नहीं होती है। फ़िलहाल तो मैं यहाँ पर आया हूँ, और यहाँ पर अभी छोटे छोटे बच्चों का ज़्यादा भीड़ है, और कुछ महिलाएं भी आए हुए हैं, और कुछ लोग और भी हैं जो इन्जॉय कर रहे हैं। तो इस पार्क में बहुत सारी चीज़ें, छोटी सी तालाब है, छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत बड़ी मूर्ति है जो कि फ्रंट पर लगी हुई है गेट के बिल्कुल ही, जैसे आप गेट के अंदर घुसोगे तो आपको सामने में मिलेगी। तो और भी कई चीज़ें हैं, बहुत खूबसूरती है यहाँ पर नेचर में। अगर आप आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, जैसा कि मुझे लग रहा है यहाँ पर। मुझे भी नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने नेचर के साथ रहूँ और आसपास रहूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर जिसको इस पार्क को आप लोगों को घुमाता हूँ और दिखाता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या सी चीज़ें हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले तो आप देखिए ऐसे। मैं अभी पार्क के बैक साइड में हूँ, आपको फ्रंट से दिखाऊंगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए, और एंड तक इस वीडियो को देखिए, और विदाउट स्किप के इस वीडियो को देखिएगा। और जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। We'll be right back.